कानपुर में दिखा अनोखा नजारा। क्रिकेट पिच पर भिड़े बीजेपी और सपा विधायक। सपा और बीजेपी में से किसने मारी बाजी। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां सपा और बीजेपी विधायक सियासी पिच के अलावा क्रिकेट पिच में भी आमने सामने नजर आए। ग्रीन पार्क स्टेडियम में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के विधायकों के बीच एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला गया। मैच की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। इस मैच के जरिए बीजेपी और सपा विधायकों ने युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के बीच में यहाँ पर मैच हो रहा है। ये मैत्री क्रिकेट मैच है। हम नौजवानों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि जब हम इस उम्र में और एमएलए होकर के खेल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ समय इंटरनेट से निकाल करके और मोदी जी के उस विजन को आगे बढ़ाना चाहिए, योगी जी के उस विजन को आगे बढ़ाना चाहिए, जो खेलो इंडिया के अंतर्गत आप इंटरनेट छोड़िए, अपने शरीर को भी ब्लेस्ड बनाइए, फिर इंटरनेट पर भी काम करिए, परंतु आपको अपने शरीर को ब्लेस्ड बनाने के लिए भी खेल को प्रोत्साहित माननीय मोदी जी माननीय योगी जी को मैं बधाई दूंगा। तब जब आप स्वस्थ होंगे तभी यूपी सशक्त होगा और तभी खेलो इंडिया को बढ़ावा होगा और हमारी प्रतिभाएं और गोल्ड और सिल्वर विदेशों से लेकर के आए, ऐसी प्रतिभाओं को हम प्रेरित करने के लिए सरकार का आयोजन कर रहे हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए 16-16 ओवर के इस क्रिकेट मैच में यूपी के कई जाने माने विधायकों ने हिस्सा लिया। इस फ्रेंडली मुकाबले में हमें एक अनोखा नियम भी देखने को मिला, जिसके तहत दोनों टीमों को विरोधी खेमे के 4 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना था। यानी बीजेपी को अपनी टीम में 4 सपा विधायक और सपा को अपनी टीम में बीजेपी के 4 विधायकों को शामिल करना था। ऐसा भी दावा किया गया है कि पूरे देश में ऐसा पहली बार देखा गया कि विरोधी दल के नेता एक टीम में खेल रहे हों। दोनों ही टीमों ने मैच में अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। बीजेपी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सपा को 108 रनों का लक्ष्य दिया। इस रोमांचक मुकाबले में सपा ने बीजेपी को हराकर जीत अपने नाम की। सपा विधायक इरफान सोलंकी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। जब चुनाव होता था, जब हम बीजेपी वाले, हम सपा वाले अपनी अपनी विचारधाराओं से चुनाव लड़ते थे, चुनाव खत्म होता है, उसके बाद जीत हार के बाद हम सब विधानसभा चले जाते हैं। ये हम बताना चाहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, और हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसी तरह बीजेपी वाले और सपा वाले मिलके एक फ्रेंडली मैच खेलें। भले ही सियासी पिच पर सपा और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हों, लेकिन कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम से दोनों ही पार्टी के विधायकों ने इंटरनेट और फोन में डूबे युवाओं को खेल की अहमियत को समझाते हुए इसके प्रति जागरूक करने की एक सकारात्मक पहल की। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।